नमस्कार दोस्तों, रविंद्र टेक एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है। आज हम शेयर कर रहे हैं 4 इंच का इन आउट वॉइस कॉइल कैसे बनाएं। बड़े शहरों में हर प्रकार के कॉइल मिल जाते हैं, पर बहुत सारे जगहों में लिमिटेड वेराइटी के कॉइल ही मिलते हैं। और पहले के कॉइल का हाइट ज़्यादातर 2.5 इंच तक होता था, पर आजकल 1300 से 1500 वाटेज के स्पीकरों में 3.5 इंच लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा कॉइल लगकर आ रहे हैं। तो हम भी पहले के कॉइल के हिसाब से ही 2.5 इंच का डाई बनवाए थे, पर अब 2.5 इंच के डाई में 3.5 इंच का कॉइल कैसे बनाएं, हम विस्तार से बतलाने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बगैर स्किप किए देखिए। आप भी बिल्कुल कंपनी के स्टैंडर्ड का कॉइल स्वयं बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कॉइल 3.5 इंच का है, बट 2.5 इंच के डाई में बना हुआ है। तो 2.5 इंच के डाई में मैंने 3.5 इंच का कॉइल कैसे बनाया, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मेरा 2.5 इंच का डाई है, लगभग 70 mm हाइट का है, जिसमें मैं 65 mm का कॉइल आसानी से बना लेता था। ये कॉइल ATI प्रो का है, जो सेम BNC में भी लगता है और P ऑडियो में भी लगता है। ये 90 mm लंबा है। तो 70 mm के डाई में 90 mm का कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोटर वाइंडिंग की दुकान से ये प्लास्टिक की शीट लेनी है। ये 7 mm या 10 mm की सीट आप लीजिएगा। ये 5 mm, 7 mm और 10 mm तीन साइज में आता है, बट कॉइल बनाने के लिए 7 mm या 10 mm की ही सीट लीजिएगा। ये सीट लगभग 300 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है। मैं 250 ग्राम लाया था। ये 7 mm की सीट है। इस सीट को स्केल से माप करके मैं 10 सेंटीमीटर लंबा माप दे दिया हूँ और एक स्केल से उसको लंबा मार्क कर दिया हूँ। अब कैंची से उस सीट को काट लेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबा है तो 9 सेंटीमीटर का कॉइल आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए, ये 4.5 इंच लंबा है। तो 2.5 इंच के डाई के ऊपर 3.5 इंच का ये रोल हम सीढ़ी नुमा लपेटते जाएंगे, और जहाँ पे कॉइल जा कर के लॉक हो जाएगा वहाँ से सीट काट देना है। तो मैंने सीट काट लिया है। अब मशीन पे लगा करके मैं इसको रोल कर लूँगा। रोल करने के बाद लास्ट में धीरे धीरे घुमाते हुए उसको एकदम टाइट कर लूँगा और मास्किंग टेप से चिपका दूँगा। और मास्किंग टेप चिपक जाने के बाद इस सीट के ऊपर मैं वाइट सेलो टेप चिपका दूंगा। लास्ट टाइम भी जैसा मैंने बताया था, वाइट सेलो टेप चिपकाने का रीज़न ये है कि अगर एरा लाइट आपका इसमें से सीट के ऊपर लगता है तो कॉइल सीट में चिपकेगा नहीं। एरा लाइट जो है वो सेलो टेप के ऊपर चिपकता नहीं है। 90 सेंटीमीटर कॉइल बनाने के लिए डाई लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस डाई को मशीन से निकाल लेंगे और इसके साइड में छोटी छोटी चिप्पी लगा देंगे। छोटी छोटी प्लास्टिक की सीट लगाने से क्या होगा कि जब हम कॉइल बनाते टाइम तार को कस के पकड़ते हैं तो प्लास्टिक की सीट दब करके और चिपक जाती है और टाइट हो जाती है। तो डाई के ऊपर से प्लास्टिक का सीट नहीं निकलता और कॉइल निकालने में बहुत तकलीफ़ होता है, और कभी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती करके कॉइल निकालने से कॉइल डैमेज भी हो जाता है। तो इन छोटी छोटी 7 mm की सीट से जब हम इस सीट को जाम कर लेंगे तो कॉइल बनने के बाद पकड़ या किसी और चीज़ से इस सीट को खींच कर निकाल देंगे तो इस डाई से कॉइल बहुत ही आसानी से बाहर निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, 3 इंच के कॉइल से ये डाई हमारा काफ़ी बड़ा है। तो देख लीजिए, दोनों साइड कम से कम ½-½ इंच बड़ा है डाई। कॉइल बनाने के लिए हम कभी भी एरा लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो एरा लाइट बना करके हम रख लिए हैं। अब डाई में सबसे पहले हम इनर चेपी लगाएंगे। इनर चेपी लगाने के लिए हमने पहले से सीट काट के रखा है, उसमें मास्किंग टेप अंदर से लगा देंगे और देखिए नीचे से घुमा करके बराबर एक लाइन जो हमने खींच के रखा है सीट के ऊपर उसमें मैच करते हुए इनर चेपी को टाइट खींच कर चिपका देंगे। इनर चेपी हमारा चिपक गया है। अब इनर चेपी के ऊपर एक 7 mm की छोटी हुई कटी हुई प्लास्टिक की टुकड़ी में एरा लाइट लगाकर गोल गोल घुमाते हुए पूरे सीट के ऊपर एरा लाइट फैला लेंगे। आराम से दोस्तों, आपको एरा लाइट फैलाना है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। धीरे 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 एक एक लाइन करते हुए पूरा एरा लाइट फैला लीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा एरा लाइट चेपी के ऊपर चिपक करके रह गया है उसको वापस निकाल लीजिए। ये देखिए, पूरा चेपी में अच्छे से एरा लाइट फैल गया है। कॉइल बनाने के लिए कभी भी आप नॉर्मल कॉपर वायर यूज़ ना कीजिए, DC वायर ही यूज़ कीजिए। ये DC वायर में 26 गेज का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी की कॉइल में 27 गेज लगा हुआ था, मैंने 1 गेज माइनस किया है ताकि हमारा कॉइल थोड़ा सा और हेवी बन सके। दोस्तों, कॉइल बनाने के लिए हम सदैव DC वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। DC कॉपर वायर सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हीटिंग टेम्परेचर इसका 200 डिग्री होता है। नॉर्मल कॉपर वायर 140 डिग्री हीटिंग टेम्परेचर में आता है।
एक और कॉपर वायर आता है DCG लिखा हुआ, DCG का हीटिंग टेम्परेचर 180 डिग्री होता है, तो सबसे बेहतर कॉपर वायर जो है वो DC ही माना जाता है। यहाँ पे हम कॉपर वायर को देखिए डाई के ऊपर लपेट दिए हैं, लगभग लगभग 54 टन मैंने लपेटा है। इस कॉयल का इम्पीडेंस 8 ओम्स बनेगा। अब पुराने कॉयल से हम माप लेते हैं तो पुराने कॉयल और नए जो बना रहे हो कॉयल का साइज लगभग सेम है। कॉयल बनाने के लिए हम 7 mm का कैप्टन पेपर लिए हुए हैं, कैप्टन पेपर का कटिंग बराबर सेम बैठ गया है। तो अब वायर के ऊपर हम प्लास्टिक शीट की सहायता से एरालाइट पूरा फैला देंगे और बाद में जो एक्स्ट्रा एरालाइट होगा वो हम उल्टा घुमा करके निकाल लेंगे। ये देखिए कॉयल के ऊपर एरालाइट अच्छे से फैल गया है। अब कॉयल के बाहर डाई के ऊपर कुछ एरालाइट गिर गया है जिसे एक साफ कपड़े से हम पोंछ लेंगे। अब कैप्टन पेपर पे मैंने एरालाइट पूरा लगा के रख लिया है, तो कैप्टन पेपर में भी एरालाइट लगा हुआ है, कॉयल में भी एरालाइट लगा हुआ है और चेपी सीट में भी एरालाइट लगा हुआ है। तो दोनों साइड से एरालाइट लगा होने की वजह से इनर चेपी और वाइंडिंग वायर और कैप्टन पेपर इनर साइड से काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। कैप्टन पेपर के जॉइंट को मास्किंग टेप के टुकड़े से चिपका लेंगे। अब जो अंदर से इनर वायर है उसका छेड़ा बाहर निकालने के लिए जो हमने मास्किंग टेप चिपकाया था वायर से उसको निकाल देंगे और टेप को कैप्टन पेपर के नीचे से वायर को गोल गोल घुमाते हुए कटिंग शीट के जगह से बाहर निकाल करके वापस कैप्टन के पेपर के ऊपर लपेट देंगे एवं मास्किंग टेप से चिपका देंगे। अब कैप्टन पेपर को इनर चेपी से चिपकाने के लिए ऊपर से एक टेप को खींच करके टाइट से चिपका देंगे। टेप चिपकाने से क्या होगा कि कैप्टन पेपर इनर चेपी में अच्छे से चिपका रहेगा और वो जब सूखेगा तो उसके बीच में कुछ भी गैप नहीं रहेगा। अब वायर को बाहर से लपेटने के लिए वापस प्लास्टिक की सीट में एरालाइट लगाकर कैप्टन पेपर में फैला लेंगे। धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए कैप्टन पेपर में जितना इनर वायर लपेटा हुआ है उतने एरिया में ही बाहर से एरालाइट लगा लेंगे एवं एक्स्ट्रा वायर एरालाइट को निकाल लेंगे। अब कॉपर वायर के छेड़े को अंदर से गोल घुमाते हुए कटिंग पेपर के साइड से बाहर निकाल कर धीरे से अंदर वाले वायर के ऊपर ही लपेट लेंगे। पहला छेड़ा लपेटने में बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि जो अंदर का छेड़ा है जस्ट उसी के ऊपर आपको बाहर का छेड़ा रखना होगा। फिर एक बार जब आपका 2-3 टर्न लपेटा जाएगा तो फिर आप आराम से पूरी वायर को लपेट सकते हैं। ये देखिए लगभग पूरा वायर मेरा लपटा गया है, तो जो अंदर से छेड़ा निकला था उस छेड़े के पास तक वायर लपेट गया है। तो अब उस छेड़े को सुई की सहायता से इस कॉइल के साइड में चिपका देंगे और इस वायर को वापस घुमा करके बाहर लॉक कर देंगे। अब हमारा जो इनर वायर और आउटर वायर है दोनों छेड़ा बाहर की तरफ आराम से निकल आएगा। कॉइल का इन और आउट दोनों वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है, तो अब कॉइल को थोड़ा सा सजाएंगे, संवारेंगे। जो वायर इधर उधर फैला हुआ है या कहीं पे वायर फैला हुआ है तो उसको एक सुई की सहायता से दोनों साइड से समेट करके एकदम एक पट्टी नुमा रोल में बना लेंगे। तो कॉइल अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से दोनों तरफ से सेम ऊपर नीचे बैठ जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा एरा लाइट है उसको साफ कपड़े से पोंछ लेंगे एवं ब्लोअर से कॉइल को गर्म करेंगे। कॉइल जब गर्म होगा तो अंदर का एरा लाइट और बाहर का एरा लाइट जो है वो पिघल करके फैल जाएगा और कॉइल को आपस में पकड़ लेगा। अब एरा लाइट पिघल कर कुछ बाहर जो निकल गया उसको वापस कपड़े से पोंछ देंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एवं दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर के ज़रूर कीजिएगा। कॉइल फाइनली रेडी हो गया है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। टेक्सचर इसका एकदम अच्छा निकला है, तार के लाइनिंग भी दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बाहर से एरा लाइट नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो इसमें बाहर से भी एरा लाइट का एक परत लगा सकते हैं। कॉइल को सूखने के लिए भट्टी में 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गया है तो अब कॉइल बाहर निकाल लेते हैं। कॉइल सूख कर रेडी हो गया है तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके आउटर साइड में चिपकाने के लिए चेपी का माप काट लेते हैं। चेपी यहाँ पे हम ब्लैक कलर के पेपर का लगाएंगे, लगभग 6 इंच का चेपी कटेगा तो चेपी हम काट के रख लेते हैं। अब कॉइल को डाई से बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारा प्लास्टिक का सीट बड़ा है और डाई छोटा है तो अंदर से गैप है, इस गैप को भरने के लिए हम एक स्पीकर का किट नीचे रख करके डाई उसके ऊपर रख देते हैं।
अब एक प्लायर से हम छोटे छोटे जो प्लास्टिक के चिप्पी लगाए थे, टुकड़े लगाए थे, उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसे देखिए, कॉयल एकदम ढीला होकर के आराम से डाई से निकल आया। कॉयल बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो टेप लगे हुए हैं, उस टेप को निकालते हैं। ये देखिए, नाखून इस पर मेरा फंस रहा है क्योंकि बाहर से मैंने इस पर एरालाइट नहीं लगाया था। तो आउटर का जो वायर है उसको निकालते हैं, टेप निकालते हैं, उसे छेड़ा निकालते हैं। तो सबसे पहले जो टेप हमने लगाया था उसको निकाल के हटा देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बाहर का छेड़ा निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सुई की सहायता से वायर को चिपकाया था, तो ये देखिए जो सबसे बाहर का टर्न है वो निकल रहा है, वो कॉइल से चिपका हुआ है। अब यहाँ से लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ गया था, तो अब ये अंदर से जो वायर निकला था वो वायर वहाँ चिपकाया था हमने सुई से, उसको हम निकाल लेते हैं। ये अंदर का जो वायर निकल के आया हुआ है वो प्लस वायर होता है कभी भी। अब ये बाहर का जो टर्न है वो इसके ऊपर से घुमा करके वापस निकाल लेंगे, तो जो बाहर का टर्न होगा कभी भी हमारा माइनस होता है और अंदर का जो टर्न है वो प्लस होता है। तो ये देखिए, ये हमारा प्लस टर्न है जो ये कॉइल के कटिंग भाग से बाहर निकल करके आया है। ये अंदर वाले छेड़े का वायर है और ये जो दूसरा टर्न है ये माइनस टर्न होगा, ये हमारा बाहर का टर्न है। तो दोनों टर्न को हम बाहर से खींच करके कैप्टन पेपर पे चिपका देते हैं। अब यहाँ पर हम अक्सर एक गलती करते हैं कि डायरेक्ट इसके ऊपर हम चेपी लगा देते हैं, तो कॉइल हमारा सबसे नाजुक यहीं पर हो जाता है क्योंकि इधर एरालाइट से जाम होता है और बाहर भी टनसिल वायर में एरालाइट से जाम होता है, बट यहाँ पे बोस्टिक एडहेसिव जो स्पेप सेवन लगाते हैं उससे जाम होता है, तो वायर यहाँ कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर एरालाइट बना करके एरालाइट को इसके वायर के ऊपर में लपेट देना है। अब इस एरालाइट को ब्लोअर से हीट कर देंगे जिससे एरालाइट फैल करके तार में अच्छे से चिपक जाएगा। अब एक वाइट सेलो टेप का टुकड़ा काट करके वापस तार और कैप्टन पेपर के बीच में हम चिपका देंगे। जब सेलो टेप यहाँ चिपकेगा तो तार को कैप्टन पेपर से एकदम चिपका के रखेगा और एरालाइट को भी कैप्टन पेपर के ऊपर फैला देगा। अब नाखून की सहायता से आप उसको थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि एरालाइट और कैप्टन पेपर के बीच में कुछ भी गैप ना हो। अब इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट भट्टी में रखने के बाद देखिए ये सूख गया है, तो एरालाइट जो है वो तार को कैप्टन पेपर में अच्छे से चिपका दिया है। अब इस पर हम स्पेप सेवन लगाएंगे और चेपी चिपकाएंगे, तो यहाँ पे तार जो है वो एरालाइट से पैक हो रहा है, हमारा स्पेप सेवन से पैकिंग नहीं हो रहा है। कॉइल में चेपी चिपकाने के लिए कैप्टन पेपर के खाली वाले भाग पर स्पेप सेवन लगा देंगे एवं एक स्पंज के टुकड़े से स्पेप सेवन को फैला लेंगे। स्पेप सेवन देखिए लगभग कैप्टन पेपर में हर एरिया में लग गया है, तो अब इसको हम चेपी चिपकाने के लिए जो कटिंग करके पेपर रखे थे उस पर भी स्पेप सेवन लगा करके फैला लेते हैं। चेपी के टुकड़े में स्पेप सेवन को उसी स्पंज के टुकड़े से फैला लेंगे। स्पेप सेवन पूरी तरीके से अच्छे से फैला लेना है ताकि कहीं पे भी गैप ना छूटे। और दोनों सरफेस पे स्पेप सेवन लग के जब हल्का हल्का सूख जाएगा तो कॉइल में चिपका देंगे, वो एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छे से फैल गया है। अब चेपी पेपर को निकाल लेते हैं एवं कॉइल में चेपी पेपर को अच्छे से लगा करके पहले एक तार को नाखून के सहायता से चिपकाते हुए छेड़ा को ऊपर से चेपी पेपर को निकाल लेंगे एवं फिर खींच करके लगाते हुए चिपकाते चले जाएंगे। गोल गोल घुमाते हुए अंगूठे की सहायता से चेपी पेपर को चिपकाते जाना है एवं जब अंत में चेपी पेपर आ जाएगा तो कॉइल को घुमा करके वापस नाखून की सहायता से जो लीड वायर है उसको दबाते हुए चेपी पेपर को लास्ट तक ले आना है। यहाँ चेपी पेपर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम कैंची से काट लेंगे। ये चेपी पेपर कंप्लीट चिपक गया है। अब एक स्क्रू ड्राइवर से उसको घस करके पूरा दबा देंगे। देखिए घसते हुए हल्का प्रेस करते हुए चेपी पेपर को कैप्टन पेपर में चिपकाते चला जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कैप्टन पेपर और चेपी पेपर में कहीं पे भी गैप नहीं रहेगा, तो ये जोड़ एकदम पक्का हो जाएगा। अब ये कॉइल दोस्तों हमारा रेडी हो गया है। इसको आराम से नाखून की सहायता से कॉइल के पास या जहाँ पर भी लग रहा है कि थोड़ा छूटा होगा दबा करके चिपका ले रहे हैं। ये कॉइल लगभग रेडी हो गया है, छेड़ा भी निकल गया। अब छेड़े को थोड़ा सा छील करके तार बाहर निकाल लेते हैं चेपी पेपर से। ये देखिए इसके साथ में एरालाइट भी निकल करके बाहर चला आया है। तार को एरालाइट अच्छे से पकड़े हुए था। अब अंदर की सीट को घुमा घुमा करके दो उंगली से अंदर की सीट को निकाल लेते हैं।
ये कॉयल हमारा देखिए पूरा रेडी होकर के बाहर निकल आया। देखिए दोस्तों ये शीट बाहर निकल आया और ये कॉयल लग रहा है ना एकदम ब्रांडेड कॉयल है। इसका टेक्सचर निकल के आया, अंदर से कॉयल चमक रहा है क्योंकि बाहर ना ही मैंने बाहर एरा लाइट लगाया है ना ही मैंने अंदर एरा लाइट लगाया है। एरा लाइट सिर्फ कैप्टन पेपर वाले भाग में लगा है, तो अंदर भी तार आप छुएंगे तो आपको पूरा फील होगा और बाहर से भी फील होगा। अब जो हमने चेपी पेपर चिपकाया था मास्किंग शीट से उसको भी निकाल देते हैं। दोस्तों देखिए 4 इंच का एनोड वाइज कॉयल रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी करके बताइएगा आपको क्या पसंद आया, एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज ये जो कॉयल का वीडियो मैं बना रहा था तो मेरे पास एक 18 इंच का स्पीकर आया जिसमें 4 लर का वाइंडिंग है, ये 2 लर वाइंडिंग है। इसमें एक तार नीचे से अंदर से नीचे जाता है और फिर नीचे से बाहर की तरफ आता है, लेकिन उस कॉयल में एक तार अंदर की तरफ नीचे जाता है और अंदर से ही बाहर आता है और फिर वो बाहर निकल करके ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आता है, उसको 4 लेयर कॉयल बोलते हैं। तो जल्दी ही 4 लेयर कॉयल का भी वीडियो हम बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो देख करके आप भी नॉट कॉयल बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे फंसते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछिएगा, अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।